वेलकम बैक हवदीन आज दफा फिर आज सुबह अली सलमान आई एम सॉरी आई शुड हैव रेड द स्क्रिप्ट इन द मॉर्निंग। आज का हमारा स्क्रिप्ट है 12 अप्रैल 2012। अप्रैल 12 इज द 102nd डे ऑफ द ईयर 103rd इन द लीप ईयर इन द जॉर्जोनियन कैलेंडर। जॉर्जोनियन से मुझे याद आया कि आज दो मेहमान आ चुके हैं। एक तो हमारे जो मेहमान है वो किंग जॉर्ज के खानदान में से हैं, उनसे आप अक्सर मुलाकात करते रहते हैं। दूसरी जो हमारी मेहमान है वो आज से कुछ साल पहले तक मैं ये सोचता था कि जो हमारी पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री है उसमें जो मॉडल्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आई हैव नोन एंड वर्क्ड विद, जब तक पाकिस्तान दुनिया की वाहिद फैशन इंडस्ट्री है जहां एक मॉडल की उम्र 50 साल तक है और माशाल्लाह वो 50 साल में भी दे सीम टू कैरी देमसेल्व्स एक्सट्रीमली वेल एंड ऑल्सो द क्लोथ्स बाय द वे। अली तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माई सेकेंड गेस्ट। इससे पहले कि मैं उनका नाम अनाउंस करूँ, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री टूडे। बिफोर वी इंट्रोड्यूस यू टू हर एंड हर टू यू, हम चल के आपको एक पैकेज दिखाते हैं और पैकेज से आने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि अली तबस्सुम साहब के बारे में आज हमें एक नया इंकशाफ हुआ है। ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं, इन्होंने केमिस्ट्री में बच्चों को क्या पढ़ाया क्या लिखाया उस पर बात करेंगे, मगर उससे पहले चल के हमारी दूसरी मेहमान का ये स्पेशल पैकेज देखते हैं। वेरोनिका पैट्रिक का ताल्लुक कराची से है, आपने CJM से ग्रेजुएशन किया, वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ आप फैशन मॉडल भी हैं। आपने बेशुमार फोटोशूट्स के अलावा कराची फैशन वीक में भी शिरकत की और आप इस दफा होने वाले ब्राइडल कोटोर वीक का भी हिस्सा होंगी। आपकी पुरकशिश और खूबसूरत शख्सियत फैशन इंडस्ट्री में एक खुशगवार इजाफा है। जी कादरी आजाद, वेरोनिका पैट्रिक विद अस। हाय वेरोनिका, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। Man, good morning. How are you? मैं ठीक ठाक हूँ। Thank you very much for gracing us with your presence so early in the morning. You're welcome. It's my pleasure. No, it's our pleasure. और आपके साथ बैठे हैं इंतहाई खूबसूरत मुस्कुराहट वाले नौजवान इंसान। और दिलीप कुमार साहब ने अपने एक ऑफिशियल इंटरव्यू में कहा था कि मेरी जिंदगी में जो दो इंस्पिरेशन हैं, एक मोइन अख्तर साहब मरहूम थे जिनकी बरसी इज वेरी क्लोज, और दूसरे अली तबस्सुम साहब थे। उन्होंने कहा कि इनको तो कुछ होना नहीं, क्यों नहीं होना वो हम बात करेंगे, बट मैंने कहा ये पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है, लेट्स स्टार्ट विद यू फर्स्ट, देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन है ना? यस एब्सोल्युटली। व्हाट डू यू नीड टू डू टू बिकम अ मॉडल? ऑनेस्टली यू जस्ट नीड टू हैव द पैशन, द डिटरमिनेशन, यू नो द ईगरनेस एंड अ माइंड दैट इज फोकस्ड टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू डू, एंड वंस यू हैव दैट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, you know, and you need to know how to carry yourself, how to talk confidently. So ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा important है। ये सब तो अंग्रेजी में हो गया ना, जो जान पहचान मामे दा पुत्र मेरा डिजाइनर है ते पाइदन जड़े ने वो फैशन कर देने उन्हें दी, वो कोरियोग्राफर हैं, वो जान पहचान से हेल्प होती है, ये इंसान लंबा चौड़ा खूबसूरत होता है, बस पैदाइशी मॉडल होता है। देखें, लक की बात भी होती है, और मैं ये ऐसे नहीं कह रही हूँ कि ऑब्वियसली इफ़ यू हैव पीपल यू नो देन इट रियली हेल्प्स। पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री ने इवॉल्व किया है, यू नो वी गॉट फैशन वीक्स, जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में फैशन वीक हो रहा है, जहाँ हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है वो किसी खास मिशन से गए हैं, उसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल, वो जिक्र मैं बीच में कहीं करूंगा। लाहौर हैज इट्स ओन फैशन वीक, कराची हैज इट्स ओन फैशन वीक, अब तो माशाल्लाह देयर आर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स कमिंग आल्सो, मतलब पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, उससे क्या चेंज क्या आ रही है हमारी? इट्स वेरी गुड टू सी के अभी डिजाइनर्स इंडिया से आ रहे थे एंड फ्रॉम दुबई एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आई मीन एंड इवन मॉडल्स, वी हैव यू नो मॉडल्स फ्राम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी हो गया है साथ में, एंड एज लॉन्ग एज यू हैव एंड यू नो वेर यू हैव टू गो, सो यू नो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इफ़ यू गेट लॉस्ट इन दिस होल थिंग तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट यू नीड टू नो हु यू एसोसिएटिंग विद। आपको पता कैसे चलता है कि किस ब्रांड के साथ एसोसिएट करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए? देखिए, एवरी यू नो पीपल, you get to know people, it's your sixth sense as well that works, that's what I believe. Obviously aap char logon ke sath uthenge baithenge to aapko pata chalta hai ki you know who is the right person. Fashion industry mein bhi pehlwanon ki tarah uthek baithek hoti hai, humne kaha uthenge baithenge to pata chalta hai. Ji is tarah hoti hai hamari bhi, kafi ramp pe upar niche hoti hai. Acha isko cat walk kyun kehte hai, isko koi aur kisi aur cute se animal se kyun nahi associate karte? I think I don't think a dog can walk like a cat.
तो वो जरा आपको भी, आपको पाकिस्तानी डॉग्स का अंदाजा नहीं है वैसे। अच्छा? मैं आपको बता सकता हूं। देखना पड़ेगा फिर मुझे जरूर। नहीं, बट इसका इज देयर एनीथिंग एसोसिएटेड टू दैट कि कैट पॉकेट। चलें, कैट तो बिल्ली होगी ना। yeah. ये कैट बिल्ला भी होता है। मेल कैट को क्या कहते हैं? अली तबस्सुम साहब आप बताएंगे मेल कैट को क्या कहते हैं? उसे भी हम वेरी सिंपल मिस्टर कैट, मिस कैट एंड मिसकम्युनिकेशन ऑफ द कैट। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना? आई एम ऑलवेज ऑन द राइट व्हेन यू आर ऑन द लेफ्ट। अच्छा, तो ये जो अभी अभी जो फैशन वीक्स का जो सिलसिला चल पड़ा है, इससे हमारी फैशन इंडस्ट्री को कोई नई डायरेक्शन मिली है, कोई नई सिम्त मिली है, कोई नया एक्सपोजर मिला है? ये जो अभी पिछले दिनों हुआ था, देयर वाज पाकिस्तान फैशन वीक, इसमें आप देखेंगे कि देयर वर डिजाइनर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री। तो ऑब्वियसली वी आर मूविंग अहेड, वी मूव्ड अहेड। आप 1991 के मैगजीन्स उठा के देख लें, यू नो, एंड अभी के उठा के देख लें, देयर इज सो मच देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन, you know, the collection, the clothing, the colors and the models and the models. हमने जान के 91 बोला क्योंकि 91 में मैंने TGS के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ठीक है, चले 92 पे आज no hard feelings at all. नहीं, आप सीरियस हो गए? मैं तो मजाक। अली भाई और मैं, अली भाई ब्रांड एम्बेसडर थे लाहौर में, वो खैर हम उनसे अली से बात करेंगे। अच्छा, फैशन नाउ और मॉडलिंग फॉर दैट मैटर नाउ, क्या एक ऐसा करियर है जिसको प्रोफेशनली लेकर सर्वाइव किया जा सकता है? ऑफ कोर्स लिया जा सकता है, व्हाई नॉट? इफ़ यू आर वर्किंग, देन अगेन इफ़ यू हैव द राइट पीपल अराउंड यू, इफ यू हैव पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली यू नो बकिंग यू अप एंड टेलिंग यू कि आपने किस तरह, यू कैन टेक। अच्छा, 50 साल के बाद पाकिस्तान में खवातीन मॉडलिंग क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि यहाँ के जो आदमी है ना, वो इनको इतना स्ट्रेस कर देते हैं कि बेचारी बूढ़ी हो जाती है बहुत जल्द, एज से पहले। अच्छा, आप सीरियस होगी कि 50 साल के बाद बूढ़ी होती है? अभी एक कॉलर लाइन पे, क्योंकि अली भाई जो बैठे होते हैं ना, तो खवातीन खुद पे काबू नहीं पाती, बेख्तियार होकर फोन उठा लेती है और फोन करके पूछना चाहती है कि उनका मुस्तकबिल, उनका माजी और उनका हाल तो बुरा ही है। मेरी बारी आएगी आज, आपकी बारी तो 100% आएगी। ये लाइफ आपको बताएंगे और वो चीजें भी बता देंगे जो आप नहीं जानना चाहेंगे। कॉलर हमारे साथ लाइन पे, पहले हम उनसे निबड़ लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये खातून तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कहाँ से? मैं वसीम बात कर रहा हूँ, कराची से। अगर आप जमील भी बोल रहे होते तो मैं आपका क्या कर सकता था मेरे भाई? मैं असल में बहुत रोजाना ही कॉल करता हूँ, मगर मुझे अंदाजा ही हुआ कि आपने औरतों का नंबर अलग रखा हुआ है, जो टीवी पे चलाते हैं वो मर्दों के लिए होता है। तो नहीं, आपने मर्दों वाले नंबर पे किया है, औरतों वाले पे किया है? आवाज थोड़ी सी, आपकी आवाज बाहर खुद कम है या आप जान क्या ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो काफी ऊंचा बोल रहा हूँ, पड़ोसी आने वाले हैं कि भाई क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब बताइए भाई, क्या मसला आपके साथ और किससे बात? वरुणिका हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ, बहुत बिजी हैं, एसएमएस कम्युनिकेशन। इन्होंने मेरा सवाल सुन लिया था कि जो बकरा बकरी को सींग मारेगा तो ओबामा क्या करेंगे, वहीं बैठ के जवाब दे रही है। और अली तबस्सुम साहब है जो कि रिचर्ड आर्मटेज हैं पाकिस्तान के। ठीक है, आप किन से बात करना चाहेंगे भाई? मैं अली तबस्सुम साहब से बात कर रहा हूं। जी, अब आपकी आवाज ठीक है, बिल्कुल बात कीजिए भाई। अच्छा, एक तो आपका सवाल क्या था आजकल, सवाल का जवाब दे दो पहले। नहीं, वो खवातीन के लिए, उसमें मर्द। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, नहीं, लेकिन सवाल था कि जो बकरे ने मारा है बकरी को सींग, तो ओबामा साहब क्या करेंगे? क्या ओबामा साहब चढ़ाई कर देंगे? क्या ओबामा साहब यूनाइटेड नेशंस के सामने धरना देंगे या प्रेस क्लब के सामने कुछ धरना देंगे? लेकिन इसका जवाब आप एसएमएस से देंगे, आप बात कर लीजिए। अच्छा चलो ठीक है। अली तबस्सुम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? थैंक यू भाईजान, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा भाई, आपकी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त नॉलेज है और बहुत ही आप अच्छा बताते हैं स्टोन्स के हवाले से और खासतौर पर सैयारों के हवाले से और वो दीगर। मुझे ज्यादा पता नहीं है मगर मैं सुनता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बता रहे हैं। थैंक यू। और डेट ऑफ बर्थ से और आप मदर्स नेम से जो सारा आप डिटेल में बताते हैं तो बहुत अच्छा है, मगर मुझे एक छोटा सा सवाल कई दफा मेरे जहन में आता है, तो मैंने आपसे पूछ लूं आज मैं कि हमारे जो भी हमारी किस्मत है और हमारा जो भी कुछ मुस्तकबिल हाल है, उस पर जो सैयारे असरअंदाज होते हैं और स्टोन असरअंदाज होते हैं और जो मूवमेंट होती है मुश्तरी जहल और इन सब की, उससे हमारी चीजों में फर्क पड़ता है। तो मैं ये सोच रहा था कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने हर काम के लिए इतने सारे फरिश्ते बनाए हैं और इतने काम करते रहते हैं, और फिर हम बचपन से ये भी सुनते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर क्या ऐसा लगता है इन सब बातों से कि फरिश्ते छुट्टियों पर गए हैं सारे? वेल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया वसीम भाई, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है, क्योंकि सब कुछ करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान तो एक स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान की दो तकदीरें बनाई हैं इसमें।
इसे एक तो वो तकदीर जो बिल्कुल लोहे महफूज पर बिल्कुल लिख दी गई है कि वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक चेंज नहीं हो सकती, और एक वो तकदीर कि जिसे इंसान स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, और अल्लाह ताला ने कुछ इसमें वसीले बना रखे होते हैं, तो वो इंसान जब अपनी मेहनत को स्ट्रगल करता है, हार्ड वर्किंग करता है, तो उस चीज़ पर कंट्रोल हासिल कर लेता है, कामयाबियों को हासिल कर लेता है। तो कुछ रास्ते अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर रखे हैं, ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रख के घर में बैठा रहे और ये कहे कि मेरा रिस्क जी बिल्कुल अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है और मुझे घर बैठे मिल जाएगा। देखें, बिकॉज 100% जब तक आप कुछ नहीं करोगे, बिकॉज इफ़ यू कैन समथिंग डू देन यू विल बी सक्सेसफुल। इसमें मैं समझता हूँ कि इंसान की अपनी हार्ड वर्किंग, स्ट्रगल, कोशिश मस्ट होती है और उसके बाद इंसान को अल्लाह ताला कामयाबी देता है। थैंक यू वेरी मच जी। वसीम साहब, हो सकता है कि आपको आफाका आ गया हो आपके सवाल का। अब हम जरा, आपने सुबह सुबह अली साहब को इतना सीरियस कर दिया कि वेरोनिका के जो सितारों की मूवमेंट है वो रुक गई फॉर द टाइम बीइंग। तो अब हम वापस आएंगे इनकी सितारों। ये बताएं, ये जो मॉडल्स होते हैं ये फाका कुशी क्यों करती हैं? अच्छा, वैसे फाका कुशी और बुस कुशी में क्या फर्क होता है? उर्दू सर ज्यादा हो गई तो मुझे समझ भी नहीं आया। ये तो ये चाइनीज जबान थी। फाका कुशी का मतलब होता है कि खाने पे इत्याद। बुस कुशी होती है वो जो अफगानिस्तान में घोड़े पे बैठ के आते हैं, दुम्बा उठाते हैं, पूरे का पूरा खा जाते हैं। मैं आई ईट एवरी थिंग, मैं सब कुछ खाती हूँ। आई मीन पिज्जा हो, कुछ भी हो, आई डोंट, आई एम नॉट ऑन अ डाइट, बिल्कुल भी नहीं। ओके, मैं तो बस सब कुछ ही खा जाती हूँ। सब कुछ खा जाती हूँ। आप तो फिर आप तो गलत प्रोफेशन में आ गए, आपको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। क्यों? सब कुछ खा, आपको अल्लाह ताला ने ऐसा पेट दिया, आप सब कुछ। इंसानों को नहीं खाया अभी तक, इंसान खाने की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो बिला तफरीक सब कुछ खा जाते हैं। अच्छा, ये जो मुल्क के हालात हैं, अच्छा ये जो मॉडल्स के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो सोच है वो कुछ ब्लॉन्ड सी होती है, ये क्यों कहा जाता है? अली भाई कहते हैं ब्लॉन्ड वो होती है खातून जिसके जहन में एक पैशन होता है तो और कुछ भी नहीं होता, तो ये क्या होता है, ऐसे क्यों कहा जाता है? सलमान साहब, आई टोटली थिंक कि आप जो है ना गलत मॉडल्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। हमारे पास कुछ अच्छी मॉडल्स भी हैं, लाइक जो सोचती हैं, जो बिल्कुल हु आर वेरी एजुकेटेड, हु आर वेरी वेल स्पोकन, यू नो। बट डज एजुकेशन help you when you are on a catwalk? Obviously, education is not just because you want to build up a career in, you know, engineering or anything. Education to har jagah kaam aati hai. You know, you need to be civilized. You need to know how to, you know, associate with people, talk in front of 10 people. तो ये obviously education. अब हम ये करते हैं. हाँ, अब serious हो गए. मैंने आपको एजुकेशन पे इसलिए चढ़ा, अब मैं चाहता हूँ कि ये शो अगले 3 मिनट आप होस्ट करें और आप अली तबस्सुम साहब से बात करके पूछें आज सितारों और मौसम का हाल जो है उसका, किसी भी जो इस्लामाबाद फैशन, अच्छा वैसे बाय द वे आप इस्लामाबाद फैशन वीक पे नहीं गई? व्हाई? बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस ब्राइडल कुट्योर वीक। यस अली भाई, आपको कुट्योर वीक के बारे में कुछ पता है? नहीं। किचोर वीक एक ऐसा वीक होता है जहाँ किचोरे में पानी डाल के सारे उसके गिर बैठ के पानी पीते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, मैं आपको किचोर वीक के बारे में बताता हूँ। खुदीन आजाद, किचोर ब्रेक। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द किचोर ब्रेक ऑन द आचो विद अली सुभान।